I would like to welcome Dr. Barry Cashel, who is a fellow collegium, Ramajini, USA, formerly with the World Health Organization, an author, medical and legal aspects of asbestos. I should call him not only as an academician, health experts, but also an activist who has been trying to propagate the idea, pro-people idea about the environmental consciousness and implications on environmental issues and health. We welcome you, sir, in the National Institute of Social Studies, and in this auspicious occasion, which is organized by not only by the National Institute, but also with the Toxic Watch Alliances, Center for Occupational and Environmental Health, and Peace New Delhi. It's our privilege that you are here with all national and international exposures. Bestow your experience and benefit to us to discuss this sensitive issue and deliberate boldly on the implications of health, environment, sustainability and hazards. हमारे बीच प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी हैं, इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, हमसे अधिक आप इनको जानते हैं। He is not only an economist of international repute, but also an activist of international repute. जहां कहीं भी जनता की बात होती है और उसके साथ जुड़े हुए सवाल होते हैं, आइडियोलॉजिकल इश्यूज होता है, वहां आप खड़े होते हैं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप हमारे बीच हैं और इस मौके पर आप अपने मार्गदर्शन से हमें लाभान्वित करेंगे। आप इस सभा में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सभा में। स्वागत है न्यायमूर्ति रेखा जी से। आप जानते हैं कि जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जहां पर मैं जो एनवायरमेंट के सवाल, हेल्थ के सवाल या कोई भी मुद्दा जो समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसका न्यायिक पहलू बहुत ही महत्व का होता है, और हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर मैं आदरणीय न्यायमूर्ति रेखा जी हैं, और आपके मार्गदर्शन से हमें लाभ मिलेगा। आप अपने व्यस्तम क्षणों में से समय निकालकर यहाँ आई हैं हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है तमाम साथियों का जो आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हमारे ट्रेड यूनियन के एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के कार्यकर्ता हैं, मीडिया के कर्मी हैं। आप सबों ने इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपनी शिरकत की है, अपना योगदान देंगे, और आज का दिन यह बहुत ही उत्पादक होगा हम सबों के लिए। हम सब मिलकर समाज के आगामी भविष्य के बारे में, हेल्थ और हजार्स, ऑक्यूपेशनल हजार्स और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से चीजों को हम लोग देखेंगे। दो तीन बात सिर्फ इस मुद्दे पर इस समय हम कहना चाहेंगे। एक तो यह कि दुनिया सेंसिटिव है, नाउ द वर्ल्ड इज सेंसिटाइज टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इनफैक्ट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव थ्री इंपॉर्टेंट एजेंडा, नंबर 4, 5, 6, इवन 7, व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स अबाउट द हेल्थ कॉन्शियसनेस दैट द वर्ल्ड कम्युनिटी इज टॉकिंग अबाउट। एंड द 6th and 7th पर्टिकुलरली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर environmental sustainability on ground of health is very very important. हम सभी यहाँ जो millennium development goal है उसके उन बिंदुओं पर बात करने के लिए जो समाज के लिए चिंतित world community की तरफ से समझा जा रहा है उसके लिए भी है, लेकिन उससे आगे भी है। I think we are beyond those premises, क्योंकि एक तो सवाल है कि जो हेल्थ और एनवायरनमेंट के सवाल जो डेवलपमेंट के पैराडाइम से निकल के आया है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरह के डेवलपमेंट पैराडाइम है, जो साइंस एंड नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ, विद दोज थिंग्स वी आर कमिंग फॉरवर्ड विथ न्यू डायग्नोसिस कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, दुनिया में ज्ञान का विकास हुआ, और उसके साथ हमको कहना चलना है किस दिशा में चलना है, उससे क्या लाभ हुए क्या नुकसान हुए, वो अनुभव भी हमारे साथ है। लेकिन एक दूसरा पहलू उससे ज्यादा महत्व का है जिस पर हम अधिक जोर देना चाहेंगे जब हम यहाँ उन बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जहां पर मैं हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्पेशली एंड एनवायरमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट मॉडल इस तरह के हेल्थ और हजार्ड्स क्रिएट करते हैं उनके बीच में सस्टेनेबिलिटी की बात खोजी जा रही है,
Can we think of an alternative model of development which do not have these kind of implications in terms of health hazards and environmental questions? Because one way is that the world is creating those emissions, maybe the carbon, maybe the otherwise, and then we are trying to cope up with this situation with a different alternative. That is one way of looking into it. But the other way is, can we think of an alternative through which we can create an environmental sustainable and environmental friendly technology, health environment, the consciousness in the society, the lifestyle and other things? I think that is the real challenge. जब भी हम समाज में उन मुद्दों की तरफ इशारा करते हैं जहां क्या हो रहा है, इससे कैसे बचना चाहिए, हेल्थ के जो भी सवाल है, हजार्ड्स के खतरे के जो भी सवाल है, क्लाइमेट चेंज के जो भी सवाल है, उनको लेकर जब चलते हैं, तो एक वो दिशा होती है कि दुनिया में तकनीकी विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, उस ज्ञान और तकनीकी के विकास से क्या निकल के आया, उसका लाभ आम आदमी तक जाना चाहिए, और उस लाभ को ले जाने में जो हेल्थ मेडिसिन का साइंस डेवलप किया, डॉक्टर सत्यजीत हमारे बीच हैं और इन्होंने इस पर गहराई से सोचा है, काम किया है, हमारे बीच होंगे, आप इन महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज के मुख्य सवाल जो हेल्थ हजार्ड्स का है उसमें आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है। एक सवाल जो उसके साथ जुड़ता है कि क्या हम क्यूरेटिव से बाहर जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का परहैप्स द भोर कमिटी रिपोर्ट वाज द रेफरेंस पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंटिव हेल्थ, और आज जहां हम पहुंचे हैं उसके बाद भी वी आर बिजी इन क्यूरेटिव हेल्थ स्ट्रक्चर, क्यूरेटिव हेल्थ एनवायरमेंट, क्यूरेटिव हेल्थ कॉन्शियसनेस। कहां से हम शुरू करें कि प्रिवेंटिव हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात भी हो, दैट्स द रियल इशू। बीमारी हो उसका इलाज होना चाहिए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यह एक सवाल, लेकिन बीमारी ना हो उसका सवाल कहां से हो, वो कहां से हो, उस बीमारी ना हो का जो सवाल है उसका सवाल सिर्फ हेल्थ स्ट्रक्चर से नहीं है, उसका पूरा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर से, क्योंकि अगर कोई भूखा रहेगा, कोई कुपोषण का शिकार रहेगा, तो पहले उसके लिए वो स्वस्थ बने, इस मां स्वस्थ रहे तो बच्चा स्वस्थ होगा, उसके लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए, जो परिस्थितियां चाहिए, जो इक्विटी के सवाल हैं, उनको भी एड्रेस करना होगा। और इन सवालों के साथ जब प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं तो पीडीएस उतना ही महत्व का हो जाता है, फूड सिक्योरिटी उतना ही महत्व का हो जाता है, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम उतने ही महत्व का हो जाता है जितना महत्व का कि शिक्षा और हेल्थ के सवाल भी होते हैं। तो जहां संपत्ति के सवाल, शिक्षा के सवाल और स्वास्थ्य के सवाल, ये सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, और तब एक पीपल फ्रेंडली हेल्थ एनवायरनमेंट कैसे बने, हाउ टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ सिचुएशन, हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ लेट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, दैट्स द रियल चैलेंज। मुझे खुशी है कि आप सभी यहां उपस्थित हैं और इन विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी, उनके लीगल एस्पेक्ट्स पर, उनके टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पर, उनके इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स पर, उनके वितरण के एस्पेक्ट पर, डिस्ट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट्स पर, इन सारे सवालों पर विस्तार से चर्चा होगी और आप सबों के अनुभव का, आप सबों के ज्ञान का लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ भी कमिटी है, पर्यावरण पर कमिटी है, बिहार विधान परिषद में भी, और काफी पूरे देश में उसका अध्ययन करके लोग आते हैं, रिपोर्ट देते हैं हर एक चीज पर, और इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन आज के युग में, आज के दिन में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, और ये पर्यावरण का ही एक कारण है, पर्यावरण का ही ये प्रभाव है कि हम कभी कभी कहते हैं, पर्यावरण पर भाषण देना होता है या कुछ बात कहनी होती है तो हम कहते हैं कि पर्यावरण का तो आदमी के जीवन पर इतना असर पड़ा है कि आज आदमी को जीने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आदमी को अच्छा से जीने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा से मरने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। अभी हम लोग यहाँ लेबर मिनिस्टर थे तो एक सीएमई होता है, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का, तो उसमें मैंने इस बात को कहा था, तो रात को हमसे 9 बजे के बाद एक मेदांता के डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर के गुप्ता, उन्होंने कहा कि पूछा कि इसका मतलब क्या है, आदमी को अधिक पैसे की जरूरत है, मरने के लिए जरूरत है, ये आपने कैसे कहा, अच्छा से जीने के लिए नहीं, अच्छा से मरने के लिए। मैंने कहा
ये किसी किताब में बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये जीवन का अनुभव है। अनुभव है कि हम लोग कहते हैं कि मरने समय इस तरह का कभी भयानक रोग जाता है, जैसे कैंसर टाइप का जो रोग हो जाता है उसमें इतने पैसे की जरूरत होती है कि अगर जिसके पास पैसा नहीं हो वो बहुत ही कष्ट से मरता है, बहुत ही कष्ट से। उसके मेरा एक दोस्त था और मुझे याद है, हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से आते हैं, पेशा से भी इंजीनियर है, BIT सिंदरी में हम लोग पढ़ते थे, तो वहाँ देखते थे झरिया का बेल्ट में इतना कोयला का एक डस्ट उड़ता था, तो हम लोग कहते थे इससे आदमी मर जाएगा, लाइफ आधा हो जाएगा। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर सासाराम के बेल्ट में आते थे या गया बेल्ट में, तो वहाँ बहुत ही उड़ता था धूल गर्दा उड़ता था, तो हम लोग कहते थे कि तो धूल गर्दा इतना जो धूल जो उड़ रहा है ये तो पर्यावरण को इतना गंदा कर रहा है कि आदमी का जीवन आधा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि डाइंग विथ डिग्निटी इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है, और इसलिए पर्यावरण का बहुत खराब असर आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। ये मेरा अनुभव की बात मैं कह रहा हूं, इसलिए अगर गलत हो तो आप इसको नकार देंगे, लेकिन ये है। और कैंसर का कौन सा सोर्स है ये आप लोगों ने एक पता किया है, जैसे एस्बेस्टस पर बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, और देहातों में गरीब लोगों की झोपड़ी एस्बेस्टस से बनती है, लेकिन वो खरीद कर लाता है और कैंसर खरीद के ला रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और मैं भी जब गोपाल जी जब बोले हमसे तब हमको लगा कि ये तो बहुत खराब ये है, एस्बेस्टस खराब चीज है और इसको बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत जगह बंद भी हो गया है, तो फैक्ट्री रहे उस फैक्ट्री में दूसरा कोई काम हो जाए। तो उन्होंने एक जगह का दिखलाया तमिलनाडु का कि इस तरह की बातें हैं कि वो फैक्ट्री को खत्म करके दूसरी फैक्ट्री लगाई गई। हमने उस फैक्ट्री के रहते हुए उसके जो बुरे प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है क्या? जैसे यहाँ पर है डस्ट उड़ता है और ये पहाड़ को काटते हैं, डस्ट उड़ता है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई तो उसमें पानी देकर तो उसको डस्ट को सेटल किया जाए, और सेटल करने के बाद वो फिर उसकी उसका कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन एक बाय एक समाप्त करने से तो इससे भी ज्यादा समस्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। तो क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या इस तरह की व्यवस्था कि उसमें उसके प्रभाव को जो कि कैंसर उत्पन्न करता हो या कैंसरस हो उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं क्या? और मुझे जहां तक जानकारी है अभी तक की कि कैंसर का कारण क्या है, एक्चुअल कारण अगर पता चल जाए तो उसका एक्चुअल निदान भी निकल जाएगा। लेकिन एक ट्रायल एंड एरर बहुत चीज का पता भी चल गया है। अभी जैसे हमने देखा एक दो दिन पहले डॉक्टर साहब जाते हैं सत्यजीत बाबू, प्रोस्टेट का ये निकला कि सत्या इलाज निकला है, तो इलाज निकला है इस तरह से। अब धीरे धीरे वो मौत का वारंट जो माना जाता था ये इसका कुछ कम हुआ है, लेकिन पर्यावरण को ठीक करके अगर हम लोग रखें तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और इससे हम लोग वंचित हो सकते हैं और समाज पर जो इसकी बुरा इसका असर हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और एस्बेस्टस की बहुत सी फैक्ट्री हमारे यहाँ, हम लोग भोजपुर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ में दो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है इसकी, अभी एक गिद्धा में हो रहा है और एक बिहिया में हो रहा है। तो ये हम लोग समझे कि किसी को इनवाइट करके और इंडस्ट्री इतना बड़ा लगा दिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया कि बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी मालूम हो रहा है कि ये तो बड़ा खराब है कि तो उसको एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो 30 लोगों के मन में है उससे भी ज्यादा ये खतरनाक चीज है इस तरह का लगाना। तो इसमें जगह जगह इसको करने के लिए एक जागृति पैदा करनी होगी, और इस तरह जो आपने किया है आज जो इस तरह हम लोग जुटे हैं और इस पर विचार करने के लिए, और प्रसिद्ध लोग इसके लिए जाने माने लोग हम लोग के बीच में आए हुए हैं, उनकी बातों को सुनने का मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है और इससे जागृति आएगी। और मैं गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ और आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि मैं अपने विधान परिषद के सभागार में, एक बहुत बड़ा सभागार है नेक्सी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, उसमें भी मैं 25 जनवरी के बाद इस तरह का एक आयोजन मैं करूंगा, और इसमें आप सभी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि
किसी को जो रोग पैदा होता है उसे छुटकारा पाने का सबसे बड़ा साधन है कि लोगों में जागृति पैदा की जाए, और जागृति पैदा करके ही उसको उसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि जानकारी कम है हम लोगों में, और खास करके देहातों में तो बहुत कम जानकारी है इसकी। इतना बड़ा इसका खराब असर पड़ता है, देहातों में कम जानकारी होती है, लेकिन इतने लोग जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज में काम करते हैं, अपना जीवन वहाँ आप समय दे रहे हैं, इन लोग के माध्यम से ये देहातों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर होगा कि लोगों को जानकारी होगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग कंसर्स होंगे और कम लोग इसके शिकार होंगे। इसलिए इसको जगह जगह पर करने के लिए मैं और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जागृति आई है, और मेरे मन में ये भावना आई इसको देख करके कि ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए, जो कि सुविधा है वहाँ पर बैठने की और लोगों से कुछ लोगों को बुला करके काम करने की सुविधा है, और परिषद के माध्यम से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो आज ही मैं आमंत्रित करता हूँ कि 25 जनवरी के बाद आप सभी आमंत्रित हैं, ऐसे आमंत्रण मैं भेजूंगा भी, और आपने मुझे बुलाया है, इतने लोगों से मिलने का मौका मिला और इस पर कुछ सोचने का मौका मिला, ये आपने दिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, और कि इसके उद्घाटन के लिए इतना बड़ा हमको सम्मान दिया, इतने बड़े लोग जो समाज में काम करने वाले हैं उस बीच में आकर के, और इतने बड़े लोग आए हुए हैं उसमें उद्घाटन करने का हमें मौका मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री अवधेश नारायण सिंह। In situations where hazardous industries are being set up, death costs more than life, it appears. He said that he took cognizance of the fact that even in his residence there are asbestos roofs, and he argued for creating a situation where people can die with dignity. But he says dying with dignity requires cost, and he recognizes he underlined in his speech. That people are, when people are buying asbestos, in fact they are buying cancer. And he underlined the need for asbestos alternatives, because he says that if it is possible in Tamil Nadu for asbestos factories to go for alternatives, it is possible in Bihar as well. And he talked about possibilities in other areas through public awareness that people should move towards alternative. And he argued for a situation where trade unions and social activists will make an all-out effort to go out to the villages and other places where such industries are being set up, so that they are aware of the hazards and they can save themselves from the hazards. He expressed alarm, I would say, saying that in Bhojpur, which is his home district, there are two asbestos plants set up. In fact, sir, there are three asbestos plants in Bhojpur, two in Bhiya and one in Gidha. And he was really alarmed that although it meets some employment requirements, but it is worse than the in unemployment ache or the agony people suffer, because asbestos related diseases are incurable. And he argued for a preventive approach, and he said that he has learnt a lot at this conference, and he said such a conference can be organized even in the auditorium of the Vidhan Parishad in the Bihar Legislative Council, and he invited everybody present here to come after 25th of January for a similar conference or a better conference at a Bihar Legislative Council auditorium. And he said that he was privileged to inaugurate a conference like this, where public health experts, doctors, judges, and former professors and academicians are present. So I just thought, for the benefit of Professor Dr. Barry Castleman and other experts, I will just briefly translate it. Thank you, sir. Thank you for your concern towards public health, which we had recognized during your tenure as Labour Minister, and we are really happy. मैं श्री अवधेश नारायण सिंह जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जन स्वास्थ्य के इस मामले को इतनी तत्परता से उठाया है, और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो कम से कम कॉलेजियम रामाजीनी राउंड टेबल जो अगला सेशन है, जिसके
चेयर प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद है और को चेयर डॉक्टर सत्यजीत सिंह है और कि वो उस सेशन में कम से कम जरूर रहे जिससे कि उसमें मेडिकल एस्पेक्ट्स और साइंटिफिक एस्पेक्ट से बात होगी और उस सेशन में उसके चेयर होंगे डॉक्टर प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद जी। तो मैं अगले सेशन की तरफ हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर सत्यजीत सिंह से अनुरोध है, ये जो सेशन है ये राउंड टेबल सेशन है और जिसमें बाकी लोग भी अपने इनपुट्स रख सकते हैं एक्सपर्ट्स के बात के रखने के बाद। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर सत्यजीत सिंह से अनुरोध है कि वो अगले सेशन को चेयर करें। कॉलेजियम रामाजी ने इसका नाम रखा है हमने इस सेशन का। इसके पीछे कारण है कि प्रोफेसर डॉक्टर बैरी कैसलमैन कॉलेजियम रामाजीनी एक इटली में पब्लिक इंटरेस्ट बॉडी है, जनहित पर काम करने वाली एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य पर काम करने वाली एक जनहित की बॉडी है जो कि उद्योगों के कंपनियों के दबाव में आकर के विज्ञान के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है या चिकित्सा शास्त्र के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है। कॉलेजियम रामाजीनी के फेलो है और वो चाहते हैं कि हजारस इंडस्ट्रीज जिससे और इसके बारे में वो बहुत भावुक भी हैं, इसलिए उन्होंने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। और मैं ये बात रखना चाहता हूँ, विस्तार से बताना चाहता हूँ कि भारत में जो अभी और बिहार में खासतौर पे ये लाने का कारण क्या होगा, बिहार में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि इस कॉन्फ्रेंस को किया जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन Occupational and Environmental Health। उसके पहले से भी डॉक्टर बैरी कैसलमैन और डॉक्टर कुमार रहमान और भी वैज्ञानिकों से मुलाकात होती थी। तो मैं बार बार ये सोचता था कि इस प्रकार का कॉन्फ्रेंस एक पटना में भी होना चाहिए क्योंकि जो इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं उनका 350 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है अपने देश में, उसमें से सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज में उसकी पढ़ाई होती है। तो इलाज तो दूर, डॉक्टर्स इन बीमारियों को पहचान भी नहीं पा रहे। तो एक ऐसे समय में मुझे लगा कि बिहार में जब जहाँ कदम उठाए जा रहे हैं, औद्योगिकरण के कदम उठाए जा रहे हैं, ये बात है कि बिहार का मुख्य फोकस कृषि है लेकिन कृषि योग्य जमीनों में भी कहीं कहीं एस्बेस्टस की फैक्ट्रियां लग रही हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसका संज्ञान भी ले रही है कि वो संवेदनशील है स्वास्थ्य को लेकर के। और बिहार में इस कार्यक्रम को करने का एक और भी कारण था कि मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक एस्बेस्टस का कारखाना आ रहा था जिसको कि बिहार के मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर लोगों से टेस्टिमनी लेकर के उसको रोकने का वाइंड अप का अनाउंसमेंट किया। अभी वैशाली में उसी प्रकार का चल रहा है, भोजपुर में भी इस प्रकार का चल रहा है। तो जानकारी के अभाव में इस प्रकार के कारखाने आए हैं। उम्मीद है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से और जो विधान परिषद के सभागार में जो कार्यक्रम होगा उसके बाद सरकार कुछ निर्णय लेने की स्थिति में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसकी ज़रूरत बार बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो दिल्ली में हुआ, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसमें ये बार बार कहेगी कि अपने यहाँ इन्वायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है, ऐसे कुशल लोग नहीं है कि जो बीमारियों की जाँच कर सके। वो जब बीमार पड़ता है तो उसका जो इलाज का है, दुर्भाग्य से हमारे देश में सरकारी अस्पताल में नहीं, अपने घर से जमीन बेच के करते हैं, अंत में वो व्यक्ति परिवार से उठ जाता है, परिवार को उसका कॉस्ट देना होता है। अगर सरकार भी इसकी जिम्मा लेती है तो सरकार का हेल्थ बजट जो प्रिवेंटिव मेडिसिन में लगता, जो स्वास्थ्य बच्चों का माताओं का देखने में होता, वो पैसा इनके बीमारी में लगता है जो एक्वायर्ड है, जो हम लोग दे रहे हैं मनुष्य को, तो इसको रोका जा सकता है। ये हम जो पहला बार गए मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री साइट पर किशोरी बहू के साथ में और बहुत से एक्टिविस्ट के साथ में, तो पता चला कि उस गांव के 2 लोग जो राजस्थान में माइंस में काम करते एस्बेस्टस के, वो बीमार होके आए और आके उस गांव में उनका मृत्यु हुआ। और वो बच्चा उस स्कूल में अपने दोस्तों और टीचर के बीच बोला कि हमारे पिताजी ऐसे ऐसे काम करते थे और ऐसे आकर के बीमार हुए और आज में मर गए। तो उस स्कूल के टीचर ने ये इनिशिएटिव लिया और बच्चों को पहले अपने स्कूल से बाहर निकाल के डेमोंस्ट्रेशन किया ब्लॉक लेवल पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बातचीत हुई गाँव के लोगों से, वो एस्बेस्टस फैक्ट्री के 1 किलोमीटर के रेडियस में 10 बच्चों का स्कूल है। उस एस्बेस्टस फैक्ट्री के लिए जो पानी निकालने का इतना बड़ा बड़ा पंप लगा है कि किसान बोल रहे हैं कि हमें पानी गड्ढा करते हैं, पंप हमारा सूख रहा है। तो ये जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं
वो किस कीमत पर कर रहे हैं, ये पॉलिसी मेकर को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ही इसी बाहर से कोई आके करता है तो हमें विरोध करते हैं, लेकिन हमारे ही बीच से आए हैं, हमारे गांव से आए हैं, वो पॉलिसी मेकर हैं, तो वो तो सेंसिटिव होंगे। और ये बात मुझे अच्छा भी नहीं लगा और अच्छा भी लगा कि हमारे पॉलिसी मेकर जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से उनको सेंसिटाइज किया जाता है, पॉलिटिशियंस या दूसरे पेशे वाले हेल्थ बारे नहीं जानते हैं, लेकिन ये ड्यूटी हेल्थ मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको है कि मंत्री जी को और हमारे पॉलिसी मेकर को सेंसिटाइज करें इसके पहले कि वो उसका बुरा अंजाम हो। तो ये तो फेलियर है कि हमें सरकारी लोगों को, हमारे पॉलिसी मेकर को अभी तक पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। अब चलिए पता चला है और हमारे माननीय स्पीकर साहब को एक इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है सरकार के पॉलिसी पे कि वो चाहें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बातचीत करके इससे जनता और ज्यादा अवगत होगा, हम लोग इसके बारे में लड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि पार्टिसिपेंट्स में हम देख रहे हैं डॉक्टर पाल है यहाँ पे और प्रोफेसर घोष हैं यहाँ पे, जितेंद्र नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पाल से जो आईएमए के प्रेसिडेंट हैं और ईएनटी नाक गला के एक्सपर्ट हैं, जो जिनके और जिस स्पेशलिटी में उसमें भी बहुत से कैंसर होते हैं। तो हम समझते हैं कि जो भी ऑक्यूपेशन है, जैसे कार के फैक्ट्री में, टायर बनाने के फैक्ट्री में ब्लैडर का कैंसर बहुत होता है, जो हमारा स्पेशलिटी है, सिगरेट पीने से ब्लैडर कैंसर बहुत होता है, कोलन का कैंसर बहुत होता है, ये घड़ी के फैक्ट्री में डायल्स जो बनते हैं उसमें जो लिप ये उसको लिप से करके और उसको बनाते थे उससे लिप का बहुत सा कैंसर होता है। तो बहुत सा चीज साइंस से पता चला है और हम लोग अवगत होना है और हमारा डेवलपमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ह्यूमन फेस होना चाहिए और हम सभी एक्टिविस्ट और पॉलिसी मेकर मिल करके और लेबर यूनियन लेबर एक्टिविस्ट मिल करके इसको हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, आई रिक्वेस्ट मिस्टर बेरी कैसलमैन दैट गिव हिज इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम एंड ही इज एक्सपर्ट एंड विल बी इमेंसली इनरिच्ड बाय हिज एक्सपीरियंस एंड हिज सजेशंस। थैंक यू। अभी बात करेंगे तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक नए विषय का शुरुआत कर रहे हैं और एक ऐसे प्रांत में कर रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऐसे प्रांत में कर रहे हैं जैसे बातों से पता चल रहा है कि यहाँ की सरकार ने इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया है, जबकि राज्य केंद्र सरकार को इसकी जानकारी है। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र हम समझते हैं कि आज का यह जो हम लोगों का जो सम्मेलन है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोगों की अच्छी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए। डॉक्टर बैरी कैसलमैन ही हैज बीन अ जूरिस्ट इन मेनी मेनी कोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील सुप्रीम कोर्ट, ही हैज बीन एक्सपर्ट इन द डब्ल्यूटीओ एपिलेट बॉडी, ही वाज एन कंसल्टेंट टू द वर्ल्ड बैंक, कंसल्टेंट टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। So he brings with him a treasure trove of wisdom about asbestos and occupational health exposures. So I request Dr. Barry Castleman to give his presentation. Here we have, this is the history of world asbestos use. And it starts 100 years ago. The recent years you see, the consumption of asbestos in the world has not continued to decline. It declined a great deal in the 1990s, but after that, it leveled off. And the reason for that is because China and India are using a lot of asbestos, and this is offsetting the reductions in other countries. There are over 50 countries which have banned asbestos in the world. And this is the problem. Next picture, please. This is a picture of a man who is, this is a picture of the problem. The man is cutting a sheet of asbestos cement roofing, and you can see the dust in his hair. His hair is white from the dust from
cutting the roofing. And children are playing around. It's in the middle of a community. There's a lot of opportunity for public exposure to the deadly dust this man is creating when he cuts these sheets of asbestos cement. Next slide, please. This is just some more pictures of the familiar roofing that we're talking about, the asbestos-containing product, which should not be used anymore in Bihar or any place else in India. You see that the product gets used even after its breakage for things like fencing, as shown here. Next. Outside of the asbestos factories, there are very often disposal of broken sheets of asbestos cement. And these pictures were taken in Indonesia 2 years ago. So here we have people scavenging, collecting the broken pieces of the asbestos for reuse. It goes away. You see the buildings, people try to put up with the fragments of the waste asbestos. All the asbestos cement factories that operate create a lot of waste. And so if you have an asbestos cement plant that's allowed to be built in the state of Bihar, you're going to be dealing with the wastes all around the plant, just like these people were in Indonesia, the contamination and the cancer hazard that arises from these wastes being dumped around the environment. Now in Canada, there was a lot of concern about the export of asbestos to India. And so the Canadian Broadcasting Company sent some people out. Next slide, please. And they showed that there was no protection for the workers in India who were handling the Canadian asbestos. This worker is wearing a piece of cloth to protect himself from the dust. The microscopic asbestos fibers that cause the lung damage are way too small for this cloth to do any good in protecting the worker. You need a very properly designed and fitted and maintained respirator for a worker to wear if he's going to be protected at all from the microscopic dust of asbestos that causes all the disease. And so these were more pictures that the Canadian Broadcasting Company put on television in Canada to show the truth about the way Canadian asbestos was being used in India 3 years ago. And the Canadians are no longer mining asbestos, and they are no longer exporting asbestos to the developing world as of September of, well, as of last year, the last mine closed, and they will not be reopened. Again, a picture of the problem, the wastes all around, children being exposed. This is a typical situation you have from the use of asbestos cement building materials in your country. Substitute materials should be used. So there are two types of substitutes. There are substitutes where you replace the asbestos fibers with other types of fibers in making the fiber cement. And there's a company called Everest here in India, in Coimbatore. They have a plant. They are starting to manufacture fiber cement using plastic fibers, polymer, polypropylene fibers. And this is a process that has been used and developed in Brazil for 10 years. And so this is, if you're going to be making fiber cement products in India, you should be using non-asbestos fiber cement products. And the alternatives also include, next slide, totally different materials. I'll talk a little more about the Pari tiles in a moment. These can be made with local materials like cement, sand, and gravel, and local labor, and much more appropriate and comparable in cost to the asbestos products. There are also clay and the various types of metal and plastic roofing materials which can be used instead of asbestos cement. So you can either replace the asbestos in fiber cement, or you can just use a wholly different building material. Next, please. These are the micro concrete roofs, the Pari tiles I was mentioning before. And as I say, these can be made with cement
and sand and gravel, and made with local labor, local materials, and this is in Thailand. This was tsunami relief, reconstruction of the roof on these buildings. And this is the kind of thing that the government of India or the government of Bihar could encourage, could tell people this is what we would like people to be using instead of asbestos in schools, in public buildings, and private buildings. This kind of material has been used in countries all over the world. Next, please. Next slide. This is a health clinic in a remote area in Thailand with one of these roofs made with these pari tiles. So this is the kind of technology that would be quite suitable in Bihar and Orissa and other states where there are alternatives that can be made more available, alternatives to asbestos. And you won't have to worry for the rest of the life of the building every time someone has to do repairs or renovations or demolition that the dust is going to be created and create a cancer hazard for the workers and for the people who live in the buildings. Use safer materials the way to go. Next slide, please. These are men that are making these pari tiles. You can make these with molds that don't even require electricity. You can use hand-powered presses and molds to make these tiles out of basic types of materials. So these men are doing that. Next. These are just some examples of alternatives to asbestos. This is something that's being sold in Laos. Next. And with asbestos cement pipes, which have, I think, been widely used in water and wastewater systems in India. Again, alternatives are available. Basically, we're talking about plastic pipes and metal pipes that can be used instead. And for wastewater and sewer lines, things like clay pipes can be used. So there are plenty of alternatives to asbestos cement. Next. Vehicle brakes have been replaced in all new cars, but in the replacement brakes for old cars, asbestos is still used in India, and this is something that should be stopped. China, which is the major user of asbestos, actually imposed a ban on asbestos in vehicle brakes in 2003. So this is, by way of comparison, shows that it can be done and has been done in other countries. Next, please. Water storage tanks have also been made with asbestos cement. There are plenty of alternatives, fiberglass and plastic mainly. Next, please. And so the World Bank has said that you shouldn't use asbestos in any new World Bank construction projects. And if you already have asbestos in buildings that need to be repaired, and are being repaired under a World Bank project, that they should be repaired under careful conditions with protection of the workers and bagging of the wastes and burying of the wastes so that there isn't any needless public or worker exposure to the dust from the asbestos in the buildings. And next, please. Then there are lots of different safeguards that are detailed in the World Bank report. I won't go into these, but there are lots of problems. If you have a building with asbestos cement in it, it needs to be managed in a way to limit people's exposure to the dust. And that's a continual problem every time there's damage and repairs and renovations made in the building. And this is what you want to avoid by using non-asbestos materials in the first place. Next, please. And the World Health Organization has also said all countries should ban asbestos, should not use asbestos products. The World Health Organization has been saying this since 2006. The World Health Organization estimates that 107,000 people die from asbestos-related disease every year in the world.
These are all preventable deaths. Next, the ILO, the International Labor Organization, has also said that all countries should ban asbestos. China may be moving toward doing that, and if that happens, that would leave India kind of standing as the world's leading asbestos-using country when all the other countries have turned away from it. And so, we need to be thinking about starting to turn this around. You have a public health disaster in the making here. Here are the people in Muzaffarpur and in Vaishali have been confronting the asbestos industry and have been opposing the construction of new asbestos factories in their towns. And I think that in just about every country, if people knew about the dangers of asbestos and the asbestos industry wanted to build a factory in their town, they would face these kinds of demonstrations anywhere in the world, anywhere at least where people are allowed to get out and protest about things like this public health tragedy. So I'm going to conclude here because you're probably having enough difficulty understanding me. I hope that photos have been of some help.